कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दो दिनों पूर्व शक्ति को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा छत्तीसगढ़ की महिला प्रतिनिधियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पंडरिया की विधायक भावना बोहरा ने कहा कि आज राहुल गांधी और उनकी ईडी गठबंधन जिस शक्ति का विरोध कर रहे हैं, क्या ये शक्ति को समझ पाते हैं? क्या राहुल गांधी जी भारत को शक्ति विहीन बनाना चाहते हैं? वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा कि एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति स्वरूपा नारी की आराधना करते हैं, लगातार उनको सम्मान देते हैं और उनके सम्मान में बहुत सारी योजनाएं भी लाते हैं, वहीं राहुल गांधी का बयान आया है कि वो शक्ति को कुचलना चाहते हैं। उनके इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नारियों महिलाओं के विरोधी हैं। वहीं महासमुंद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार महिलाओं का अपमान किया है। पिछले दिनों राहुल गांधी का वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म में हम शक्ति को देवी का रूप मानते हैं और शक्ति से तो असुर ही लड़ने की बात कर सकते हैं। बोली आदिशक्ति जगत जननी की जय। राजनीतिक विरोध और आगामी चुनाव की आपाधापी में अपना संयम और समझ पूरी तरह से खो चुके इंडी गठबंधन ने सनातन धर्म और संस्कृति के मर्म पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जिस गठबंधन की विचारधारा में ही सनातन संस्कृति का विरोध हो, वह शक्ति की उपासना को कभी नहीं समझ सकते। जिन्होंने भारत यात्रा के नाम पर सिर्फ इस देश की भूमि का राजनीतिक भ्रमण किया हो, वो कभी भी भारत की संस्कृति और भारतीयता के गौरव को समझ नहीं पाएंगे। कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। आज राहुल गांधी जी और उनकी इंडी गठबंधन जिस शक्ति का विरोध कर रहे हैं, क्या यह शक्ति को वो समझ पाते हैं? क्या राहुल गांधी जी भारत को शक्ति विहीन बनाना चाहते हैं? आज इंडी गठबंधन उस आदि शक्ति के विरोध में खड़ा है जिसने देव मानव पृथ्वी और संसार का सृजन किया है। तो मैं उन्हें चुनौती के साथ यह कहना चाहती हूँ कि जिस गठबंधन का अस्तित्व ही अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, वह इस अनंत विश्व के अस्तित्व आदि शक्ति को चुनौती देकर सिर्फ अपनी नासमझी प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि जिस महाशक्ति को अपने आधे भाग में धारण कर शिव भी अर्ध नारीश्वर बन जाते हैं, उन्हें चुनौती देने का साहस तो इस सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने महादेव के मंदिरों में जाकर आडंबन तो जरूर किया है, लेकिन शिव के उस स्वरूप को कभी नहीं समझ पाए। ठीक वैसे ही जैसे राहुल जी ने भारत भ्रमण तो किया पर भारत की शक्ति को कभी नहीं समझ पाए, इसलिए आज जो शक्ति के विरोध में खड़े हैं। मैं राहुल गांधी जी को यह बता दूं कि भारत वह भूमि है जहां असुरों के वध के लिए शक्ति अवतरित होती है, जहां प्रभु श्री राम युद्ध से पूर्व शक्ति की उपासना करते हैं। महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा के अंत में लिखा है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यहाँ न तो शिव शक्ति से अलग है और न ही राम शक्ति से दूर है। और तब चाहे राहुल गांधी सामने ही क्यों ना हो या फिर स्वयं रावण रणभूमि में क्यों ना हो, इस धर्म में योगो योगो तक शक्ति की ही विजय हुई है, शक्ति की ही जीत हुई है और शक्ति की जीत सुनिश्चित है। आप सबको सादर वंदन करते हुए आदि शक्ति दुर्गा को प्रणाम करती हूँ। एक तरफ जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शक्ति स्वरूपा नारी की आराधना करते हैं, लगातार उनको सम्मान देते हैं और उनके सम्मान में बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने लाई। देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी जो एक महिला है, साथ ही साथ हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय उन्होंने दिया, रसोई गैस हमारी बहनों को दी, घर का मुखिया बनाने के लिए राशन कार्ड में उनको मुखिया बनाया, प्रधानमंत्री आवास हमारी बहनों को दी, जल जीवन मिशन में उनके घर तक पानी पहुंचाया ताकि उनका समय अपने लिए बच सके, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान का कार्य किया। भारत देश में सनातन हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की वर्ष में दो बार आराधना का पर्व होता है, नवरात्रि का महापर्व होता है जिसमें माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, शारदा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा की जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी का जो बयान आया कि वो शक्ति को कुचलना चाहते हैं और उनके इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो नारियों के महिलाओं के विरोधी है। लगातार कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है और जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां वहां पर महिलाओं से संबंधित अत्याचार बढ़े। कांग्रेस की आदत में शामिल हो गया है कि लगातार भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म का अपमान करें, सनातन धर्म का अपमान करें और महिलाओं का अपमान करें। यह राहुल गांधी जी की छोटी मानसिकता को सिद्ध करता है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी का एक वीडियो आ रहा है जो शिवाजी पार्क में उन्होंने ये बोला है कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं।
हिंदू धर्म में सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में हम शक्ति को देवी का रूप मानते हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, जिसको हम शक्ति के रूप में देखते हैं। और जो शक्ति से लड़ता है तो शक्ति से तो असुर ही लड़ते हैं, बाकी कोई शक्ति से नहीं लड़ता। और इस तरह से ये पूरे जो नारी जाति का ये अपमान कर रहे हैं, उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को क्या समझ पाएंगे? अगर ये वास्तव में हिंदू धर्म के होते तो हिंदू धर्म की रीति नीति को जानते और समझते। ये तो अपने शर्ट के ऊपर में दिखावा जनेऊ पहन के घूमने वाले लोगों में से एक हैं, तो ये क्या जानेंगे सनातन धर्म की संस्कृति को? आज एक माँ शक्ति ही है, जो कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में समाज का कार्य देख रही है, समाज के आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इस तरह से कभी जनप्रतिनिधि के रूप में, कभी आज यहाँ तक वैज्ञानिक युग में भी हमारी महिलाओं का एक बड़ा योगदान है, जो चंद्रयान में भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये शक्ति की ही आराधना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी असली शक्ति को पहचान रहे हैं, असली शक्ति का जागरण कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। और दूसरी तरफ शक्ति को ललकार रहे हैं, तो इनको अब हम क्या बोले, वो खुद समझ सकते हैं कि शक्ति ही असुरों को दलन करती है।